अब नॉन पायलट को माफी नहीं मिलेगी, सजाएं भी दी जाएंगी। वफाकी वजीर खजाना ने खबरदार कर दिया। मोहम्मद औरंगजेब का रिटेलर्स पर कल से टैक्स लागू करने का ऐलान। कहा, नॉन पायलट की अफ्तरा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। मौशी सूरत हाल बेहतर होते ही सबसे पहले तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देंगे। पेट्रोलियम लेवी में इजाफे का इतलाक फौरी न करने का फैसला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद कहा, महंगाई 38% से कम होकर 12% तक आ गई। एक्सपोर्टर्स को अगले 2 से 3 दिन तक तमाम टैक्स रिफंड मिल जाएंगे। सदर मुमलिकत ने फाइनेंस तरमीमी बिल 2024 की तौसीक कर दी। सदर के दस्तखत के साथ ये बिल कानून बन गया। फाइनेंस बिल की दस्तखत शुदा कॉपी पार्लियामेंट को इरसाल। नया वफाकी बजट कल से नाफिज़-ए-अमल होगा। वफाकी बजट का मजमूई हजम 18,000 अरब रुपए से ज़ायद। मुख्तलिफ टैक्स और ड्यूटीज में रद्दोबदल किया गया। फाइनेंस बिल से 200 अरब रुपए से ज़ायद के टैक्सेस लागू होंगे। बास टैक्सेस इकदाम 16 जून से लागू होंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने आइंदा माली साल के सूबाई बजट की मंजूरी दे दी। गवर्नर के दस्तखत के साथ ही बजट का अमल मुकम्मल। उधर वजीर आला सिंह की अहदाफ पूरे करने पर रेवेन्यू बोर्ड को शाबाशी। कहा, 28 अरब रुपए इकट्ठे करना सबसे ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन है। 235 अरब रुपए का मजमू हदफ रखा गया। 237 अरब रुपए हासिल किए। ये अहम कामयाबियाँ SBR की साबित कदमी की मिसाल है। नौजवानों के लिए बाइज्जत रोजगार की फराहमी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर लाखों नौजवानों के लिए मुलाजमत के नए मौके पैदा। दस्तक नुमाइंदों की रजिस्ट्रेशन शुरू। मरियम नवाज का कहना है, मरियम की दस्तक का दायराकार बतदरीज तमाम अज़ला तक बढ़ाएंगे। दफातर के चक्कर काटने के बजाय घर बैठे तमाम सर्विसेज मिलेंगी। करप्शन और इस्तेहसाल का खात्मा होगा। IT और AI से आवाम की जिंदगी में आसानियाँ ला रहे हैं। अब मुल्क में फॉर्म 45 और 47 की लड़ाई नहीं रही, गरीब के जिंदा रहने की जस्तजू है। साबिक वज़ीर दाखला शेख रशीद बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, लोग बेबस हो गए हैं, हलक से लेकर फलक तक उनको महंगाई ने दफन कर दिया। हुक्मरानों को एहसास नहीं, गरीब का चूल्हा बुझ रहा है। इसके नतीजे खतरनाक होंगे। इस लीडरशिप के होते बानी PTI की रिहाई का इम्कान नहीं। दोस्त हामिद खान और हारिस टॉफ पर तनकीद से रोक रहे मौजूदा क्यादत के पास कोई हिकमत अमली नहीं। जाति ताल्लुक निभाने के लिए सारा इलेक्शन पीपल्स पार्टी की गोद में डाल दिया। फवाद चौधरी का PTI क्यादत पर एक बार फिर लफ्जी वार। कहा, मुझ पर 47 मुकदमात है। ट्वीट करने पर भी मुकदमा दर्ज हो जाता है। कुछ रहनुमा पेशावर से आकर लाहौर जलवा कर जाते हैं तो कोई कुछ नहीं कहता। अदालतों के जरिए कभी सियासी लोग रिहा हुए? मौजूदा क्यादत झूठ और अहमकाना बातें कर रही है। और T20 वर्ल्ड कप का ताज भारत के सर सज गया। फाइनल में भारत ने जनूबी अफ्रीका को 7 रन से शिकस्त दे दी। प्रोटीज चोकर्स का टैग खत्म करने में नाकाम। 5 ओवर्स में 30 रन पहाड़ बन गए। क्लासिंग के आउट होते ही अफ्रीकी टीम की हिम्मत भी टूट गई। भारत के विराट कोहली प्लेयर ऑफ द मैच करार। 15 विकेट लेने पर बुमराह को मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया। विराट कोहली और रोहित शर्मा का T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट का ऐलान। कहा, नई नस्ल को आगे आने का मौका मिलना चाहिए।